श्री गणेशाय नमो नमः। श्री विश्व प्रबोधकाय भगवते श्री भुवन भास्कराय नमो नमः। ज्योतिष कृष्ण केंद्राय जगतः स्थिति रूपिणे त्रिनेत्र नेत्र रूपाय ग्रह ईशाय नमो नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। अभी हमारे सनातन धर्म में इन ब्रह्मांड में वसुधैव कुटुंबकम की जो संकल्पना है उसके आधार पर हम लोगों का जो इतिहास है, मानव जाति का उत्थान है, जीवों को उत्पत्ति है, आज तक के दिन के लिए जो इसका गणितीय गणना है उसका आप निरूपण देखेंगे कि हम लोगों के यहाँ जो संकल्प आज बोला जाता है उसमें कैसे कैसे निर्णय करते करते हम वर्तमान दिन और तिथि वार के अनुसार संकल्प ले लिया करते हैं। तो यथास्मिन विक्राम विक्रमाब्दे, ये जो विक्रम संवत है, अस्मिन माने अभी, शिष्ट गतो अब्दाह, जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई उसमें कितने वर्ष बीत गए इसका जो है आप ध्यान देंगे। इसमें होता है 1,95,00,000 58,85,124 वर्ष बीते हुए हैं इस संसार में जीव की उत्पत्ति हुए। ये जो आंकड़ा दिया गया है संकल्प का, इतने दिन बीते हैं। फिर भी एवं चतुर्युग मनेषु, मान्यता अनुसार जो चारों युगों का वर्णन है उसमें कृत युग जो सतयुग है उसका प्रमाण दिया गया है। 17,28,000 अश्याम बेलायाम, इस समय, अश्याम बेला मतलब इस समय 17,28,000 वर्ष जो है अपने चारों युगों का समय हुआ है। उसमें श्री विष्णु मत्स्य कच्छप और वाराह नृसिंह इतने अवतार हुए हैं। इसके साथ एक वामन अवतार भी है, उसको भी उसी में माना गया है। देवा नाम अवतार, इतने अवतार हुए चारों युगों में। त्रेता युग प्रमाण का है, कितना प्रमाण है आज त्रेता युग का केवल। तो 12,96,000 जो इस युग से त्रेता चालू हुआ था। बाकी निर्णय जो दिया हुआ है 17,28,000 वर्ष का, उसमें पूरा अपना आ जाता है ब्रह्मांड। लेकिन हमारे भारतवर्ष में जो चतुर्युगी परंपरा है उसका त्रेता का जो मान है आज से 12,96,000 वर्ष पहले तक का इतिहास त्रेता युग में ज्ञात है, जिसमें श्री वामन परशुराम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रघुवंश सूर्यवंशी राघवेंद्र रामचंद्र राघव सरकार का अवतार हुआ था। द्वापर युग का प्रमाण सुनेंगे। द्वापर प्रमाणम 86,04,000 वर्ष, 86,04,000 वर्ष। और ये जो है द्वापर का प्रमाण है। इसमें कालांशे अस्मिन खोडस कलावंता श्री यदुवंश चंद्रवंशी श्री कृष्णचंद्र बलराम का अवतार आता है द्वापर में। कलयुग का प्रमाण देखिए 4,32,000। अभी जो कलयुग का इसका विभाग दिया गया है वो 4,32,000 वर्ष का है। इसमें जो है तन्मध्ये अहिंसा नायक श्री बुद्ध अवतार,
कल के अवतार, आदि अवतार जो हैं बताए गए हैं। अभी तक बुद्ध, महात्मा बुद्ध का जो अवतार है ये भगवान के अवतार के रूप में माना गया है, सो एक अवतार हो चुका है। तदंतर कल के अवतार अभी बाकी है। कलयुग से 821 वर्ष शेष काले स्यात, और कलयुग का जो है 821 वर्ष जब बाकी रहे तब कल्कि अवतार होगा, ऐसा जो है संकल्पना की गई है। संप्रति गत काल वर्षाणि, और कहिए अब बताइए, कलयुग जब लग गया और त्रेता द्वापर के बाद कलयुग का जो प्रारंभ हुआ है उसमें जो है कितने साल बीते हैं? 5124 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं। एवं गणनया भोग्य कलयुग वर्षाणि, और गणना के अनुसार जो भोग्य अभी बाकी है कलयुग के वर्ष वो है 426876 वर्ष कलयुग का बाकी है। तथा च विविध कालांश विषय श्री राम रावण युद्ध, तो अब एक नया जो अपना चालू हुआ है संवत्सर, वो राम और रावण के युद्ध के बाद का निर्णय है। इस हिसाब से गदाब्द खाह 880165, एवं च श्री कृष्ण अवतार तो गदाब्दा 5249 वर्ष। इसमें से 5249 वर्ष जो हैं वो श्री कृष्ण के अवतार के बाद का समय बीता हुआ है। कुरु पांडव युद्ध, तो अब देखेंगे कि जो अपना एक कलयुग लगा है कब लगा है? कौरव और पांडव के युद्ध के बाद कलयुग का आगमन हुआ था, तो उसमें अगर गणित करेंगे 5124 में जो है कलयुग का बीता हुआ है, जबकि युद्ध हुआ था 5249 वर्ष में। तो युद्ध के समय श्री कृष्ण की अवस्था उससे मालूम करते हैं, लगभग 24-25 साल के थे। तो कुरु पांडव युद्ध तो गतावधा 5124, एवं च काल क्रमानुगते श्री विक्रमादित्य राज्यात संवत 2080 राष्ट्रीय साके, उसमें जो विक्रमादित्य महाराज हुए हैं उस हिसाब से 2080 वर्ष बीत चुका है अभी का समय कलयुग का। और राष्ट्रीय का शक जो शक संवत है 1945, तथा च श्री भारतीय स्वतंत्रता संवत, उसके बाद स्वतंत्रता का संग्राम हुआ, फिर एक नया संवत चालू हुआ स्वातंत्र संवत, वो 76 और 77 वर्ष हो गए स्वतंत्रता प्राप्ति के। एवं च श्री भारतीय गणराज्य संवत, अब गणराज्य जो स्थापित हुआ था 1950 में, उनके साथ 74 और 75 का संधि काल चल रहा है। कालांश गति क्रमः, इस तरह से आपका जो काल का विभाजन हमारे शास्त्रों में दिया गया है। जय जय श्री सीताराम।